मौका दिया। और अटल कुमार जी और जन जनसुलभ से संबंधित जितने भी लोग हैं उन सबका मैं आभारी हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। निर्मल जी को तो जो भी साहित्यिक जगत में या रंगमंच जगत में सभी कोई जानते होंगे, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं निर्मल जी का बड़ा मतलब शुक्रगुजार हूँ कि उनके साथ मुझे एक बार पहले भी कभी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रंगमंडल के अंदर दिनेश खन्ना ने एक कहानी डायरेक्ट की थी, वो निर्मल जी की कहानी है, वो जिंदगी यहाँ वहाँ, जिसे हमने एक मेरी सीनियर एक्ट्रेस हैं हिमानी शिवपुरी और मैं, हम दोनों ने उसे मंचित किया था, और जो काफी अच्छा अनुभव था। और निर्मल जी से भी मुलाकात करने का अवसर कुछ प्राप्त हुए, और कुल मिलाकर ये एक बहुत अच्छा अनुभव था, वो जिंदगी यहाँ वहाँ का। और ये 1.5 इंच ऊपर भी मैं उसके पहले नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आने के पहले इसे मैं कर चुका था एक बार, जब इसका 70s की बात है ये। तो मैं शुरू करता हूँ। डेढ़ इंच ऊपर श्री निर्मल वर्मा जी द्वारा लिखित, अगर आप चाहें तो इस मेज पर आ सकते हैं, जगह काफी है, आखिर एक आदमी को कितनी जगह चाहिए। नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, बेशक अगर आप चाहें तो चुप रह सकते हैं, मैं खुद चुप रहना पसंद करता हूँ। आदमी बात कर सकता है, चुप रह सकता है एक ही वक्त में, इसे बहुत कम लोग समझते हैं, मैं बरसों से यही करता आ रहा हूँ। बेशक आप नहीं, आप अभी जवान हैं, आपकी उम्र में चुप रहने का मतलब है चुप रहना और बात करने का मतलब है बात करना, दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। आप छोटे मग से पी रहे हैं, आपको शायद अभी लत नहीं पड़ी है। मैं आपको देखते ही पहचान गया था कि आप इस जगह के नहीं है, इस घड़ी यहाँ जो लोग आते हैं उन सबको मैं पहचानता हूँ, आप उनसे कोई बात नहीं कर सकते, उन्होंने पहले ही बहुत पी रखी होती है, वे यहाँ आते हैं अपनी आखिरी बियर के लिए, दूसरे पब बंद हो जाते हैं, वे कहीं जा भी नहीं सकते, वे बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, मेज पर, सड़क पर, ट्राम में, कई बार तो मुझे उन्हें उठाकर घर तक पहुंचाना पड़ता है, बेशक अगले दिन वो मुझे पहचानते भी नहीं। आप गलत न समझे, मेरा इशारा आपकी तरफ नहीं था, आपको यहां मैंने पहली बार देखा है, आप आकर चुपचाप मेज पर बैठ गए, मुझे ये थोड़ा बुरा सा लगा। नहीं, आप घबराइए नहीं, मैं अपने आप को आप पर थोपूंगा नहीं, हम साथ बैठकर भी अपनी अपनी बियर पर अकेले रह सकते हैं, मेरी उम्र में जरा ये मुश्किल है, क्योंकि हर बूढ़ा आदमी थोड़ा बहुत डरा हुआ होता है, और धीरे धीरे गरिमा के साथ बूढ़ा होना एक ग्रेस है, हर आदमी के बस का नहीं है, वो अपने आप नहीं आता, बूढ़ा होना एक कला है, इसे काफी मेहनत से ही सीखना पड़ता है। क्या कहा आपने, मेरी उम्र, जरा अंदाजा लगाइए। अरे नहीं साहब, आप मुझे नाहक खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, यूं आपने मुझे खुश जरूर कर दिया है, और अपनी इसी खुशी को मनाने के लिए अगर मैं एक बियर और लूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा, और आप नहीं लेंगे? नहीं, मैं जिद नहीं करूंगा, हर आदमी को अपनी जिंदगी और अपनी शराब चुनने की आजादी होनी चाहिए, दोनों को सिर्फ एक बार चुना जा सकता है, बाद में हम उसे दोहराते रहते हैं, जो एक बार पी चुके हैं या एक बार जी चुके हैं। आप दूसरी जिंदगी को मानते हैं, मेरा मतलब है कि मौत के बाद भी, उम्मीद है आप मुझे ये घिसा पिटा जवाब नहीं देंगे कि मैं किसी धर्म में विश्वास नहीं रखता हूं, क्योंकि
खुद कैथोलिक हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों का ये विश्वास बेहद दिलचस्प लगता है कि मौत के बाद भी आदमी पूरी तरह से नहीं मर जाता। हम पहले एक जिंदगी जीते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अक्सर रात के समय मैं इन समस्याओं के बारे में सोचता रहता हूँ। आप जानते हैं, मेरी उम्र में नींद आसानी से नहीं आती। नींद के लिए छटाक भर लापरवाही चाहिए और आधी छटाक थकान। अगर आपके पास ये दोनों चीजें नहीं है तो आप इसका मुआवजा 1.5 छटाक बियर पीकर कर सकते हैं। इसलिए मैं हर रोज आधी रात के वक्त यहाँ चला आता हूँ, पिछले 15 वर्षों से लगातार। मैं थोड़ा बहुत सोता जरूर हूँ, लेकिन 3 बजे के आसपास मेरी नींद टूट जाती है। उसके बाद मैं घर में अकेला नहीं रह सकता। रात के 3 बजे, ये भयानक घड़ी है। 2 बजे लगता है कि अभी रात है और 4 बजे सुबह होने लगती है, लेकिन 3 बजे आपको लगता है कि आप न इधर हैं न उधर। मुझे हमेशा लगता है कि मृत्यु आने की कोई घड़ी है तो यही है। क्या कहा आपने? नहीं जनाब, मैं बिल्कुल अकेला नहीं रहता। आप जानते हैं, पेशेंट याफ्ता लोगों के अपने शौक होते हैं। मेरे पास एक बिल्ली है, बरसों से मेरे साथ रह रही है। अब जरा देखिए, मैं यहाँ बियर पीते हुए आपसे लंबी चौड़ी बातें कर रहा हूँ, उधर वो मेरा मेरे इंतजार में दरवाजे पर बैठी होगी। आपके बारे में मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे ये ख्याल काफी तसल्ली देता है कि कोई मेरे इंतजार में बाहर सड़क पर आंखें लगाए बैठा है। मैं ऐसे लोगों की कल्पना नहीं कर सकता इनका इंतजार कोई नहीं कर रहा हो, क्या वो खुद किसी का इंतजार नहीं कर रहा हूं। जिस क्षण आप इंतजार करना छोड़ देते हैं, उसी क्षण आप जीना भी छोड़ देते हैं। बिल्लियां काफी देर तक और बहुत सब्र के साथ इंतजार कर सकती है, इस लिहाज से वो औरतों की तरह होती हैं। लेकिन सिर्फ इस लिहाज से नहीं, औरतों की तरह उनमें अपनी ओर ध्यान खींचने की और ध्यान आकर्षित करने की असाधारण ताकत रहती है। यो डर आपको कुत्तों या दूसरे जानवरों से भी लगता होगा, लेकिन वो निचले दर्जे का डर है। आप एक ओर किनारा करके चले जाते हैं, कुत्ता दूसरी ओर किनारा करके चला जाता है। उसे डर लगा रहता है कहीं आप इस पर बेईमानी न कर बैठे, और आप इसलिए सहमत सहमत रहती है कहीं वो आंख बचाकर आप पर झपट न पड़े। लेकिन इस डर में कोई रहस्य, कोई रोमांच की कोई संभावना नहीं है, जैसे अक्सर बिल्ली या सांप को देखने में उत्पन्न होती है। सच बात यह है, और ये बात मैं अनुभव से कह रहा हूं, कि बिल्लियों की तरह आप औरतों को आखिर तक सही सही रूप से नहीं पहचान सकते, चाहे आप उनके साथ वर्षों ही क्यों ना रहे हो। इसलिए नहीं कि वो खुद जानबूझकर कोई चीज छुपाए रहती हैं, बल्कि खुद आप में इतना हौसला नहीं रहता कि आप आखिर तक उसके भीतर लगे दरवाजे को खोल सकें। आपको ये बात अजीब नहीं लगती कि ज्यादातर हमें वही चीजें अपनी ओर खींचती हैं जिनमें थोड़ा सा आतंक छिपा रहता है? अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बियर और लूंगा। उस देर में ये पब बंद हो जाएगा, तो फिर सुबह तक पूरे शहर में एक बूंद भी दिखाई नहीं देगी। नहीं, आप डरिए नहीं, मैं पीने की अपनी सीमा जानता हूँ। आदमी को जमीन से करीब 1.5 इंच ऊपर उठ जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, वरना इस उड़ान का अंत होगा किसी पुलिस स्टेशन में या किसी नाली में, तो ज्यादा दिलचस्प चीज नहीं है। लेकिन कुछ लोग डर के मारे जमीन पर ही पांव जमा रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए पीना ना पीना बराबर है। जी हाँ, सही फासला है 1.5 इंच। इतनी चेतना अवश्य रहनी चाहिए कि आप अपनी चेतना को माचिस की तीली की तरह बुझता हुआ देख सकें। जब लो उंगलियों के पास रखा है तो उसे छोड़ देना चाहिए, उससे पहले नहीं, नहीं बाद में। कब तक पकड़े रहना है और कब छोड़ना चाहिए, पीने का रहस्य इसी पहचान में छुपा है। मुश्किल यह है, हम उसे उस समय तक नहीं पहचान पाते जब तक कि हम 1.5 इंच से ऊपर नहीं उठ जाते, और फिर वो किसी काम का नहीं। शायद ये बात सुनकर आप हंसेंगे कि पहचान तभी आती है जब हम पहचान से परे चले जाते हैं। मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर आप मेरी इस बात को हंसकर डाल दें,
खुद कभी कभी कोशिश करता हूं कि इस आशा के साथ रहना सीख लूं कि किसी चीज को न जानना ही अपने को सुरक्षित रखने का एक रास्ता है। आप रफ्ता रफ्ता इस आशा के साथ रहना सीख लेते हैं जैसे आप अपनी पत्नी के साथ रहना सीख लेते हैं, एक ही घर में वर्षों तक। हालांकि एक संशय सा बना रहता है कि वो भी आप ही का खेल खेल रही है। कभी कभी आप इस संशय से छुटकारा पाने के लिए किसी दूसरी या किसी तीसरी स्त्री से प्रेम करने लगते हैं। ये निराश होने की शुरुआत है, क्योंकि दूसरी स्त्री का अपना रहस्य है और तीसरी स्त्री का अपना। ये शतरंज के खेल की तरह होता है। आप एक चाल चलते हैं जिससे आपके विरोधी के सामने अंतहीन संभावनाएं खुल जाती हैं। एक खेल हारने के बाद आप दूसरे खेल में जीतने की आशा करने लगते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि दूसरी बाजी की अपनी संभावना है, पहली बाजी की तरह अंतहीन और रहस्यपूर्ण। देखिए, इसलिए मैं कहता हूं कि आप जिंदगी में चाहे कितनी ही औरतों के संपर्क में क्यों ना आए, असल में आपका संपर्क सिर्फ एक ही औरत से होता है। क्या कहा आपने? जी नहीं, मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि मैं घर में अकेला रहता हूं। अगर आप मेरी बिल्ली को छोड़ दें। जी हाँ, मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी अब जीवित नहीं है, ये मेरा अनुमान है। आप कुछ हैरान हो रहे हैं, अनुमान से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने उसे मरते हुए नहीं देखा। जब आपने किसी को मरते हुए देखा नहीं, अपने हाथों से दफनाया नहीं, तो आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि वो जीवित नहीं है। आपको शायद हंसी आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक आप खुद अपने परिचित को मरता देख न लें, धुंधली सी आशा बनी रहती है कि वो अब भी जीवित है। आप दरवाजा खोलेंगे और रसोई से भागकर तुलसी से हाथ पोंछती हुई आपके सामने खड़ी होगी। बेशक ये भ्रम है, ऐसा होता नहीं। उसकी बजाय बिल्ली आती है, दरवाजे के पीछे देहरी पर सिर टिकाए अपनी आंखों का रंग बदलती रहती है। मैंने लोगों से कहते सुना है कि समय बहुत कुछ सोख लेता है। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे कभी ये भी लगता है कि वो सोखता नहीं है उतना जितना बुहार देता है, अंधेरे कोने में या कालीन के नीचे, ताकि बाहर किसी को दिखाई न दे। लेकिन उसके पंजे हमेशा बाहर रहते हैं, वो तो किसी भी अनजान घड़ी में आपको दबोच सकते हैं। शायद मैं भटक रहा हूँ, और बियर पीने का यही एक सुख है। रास्ता भटक जाते हैं और चक्कर लगाते रहते हैं, एक ही रास्ते, एक ही दायरे के इर्द गिर्द, राउंड एंड राउंड। आप बच्चों का खेल जानते हैं, जब एक दायरा बना के बैठ जाती है और सिर्फ एक बच्चा रुमाल लेकर चारों तरफ चक्कर काटता रहता है। आपके देश में भी खेल खेला जाता होगा। वाह, देखिए ना, हम चाहे कितने ही अलग क्यों ना हो, बच्चों के खेल हर जगह एक जैसे ही रहते हैं। उन दिनों हम सब की कुछ वैसी ही हालत थी कि हम में से कोई नहीं जानता था कि वे कब किसके पीछे अपना फंदा छोड़ जाएंगे। हम में से हर आदमी एक भयभीत बच्चे की तरह पीछे मुड़कर देख लेता था, कहीं वो उसके पीछे तो नहीं पड़े। जी हाँ, उन दिनों यहाँ जर्मन आए थे। आप तो उन दिनों बहुत छोटे रहे होंगे, मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं थी। हालांकि लड़ाई के कारण सुबह से शाम तक काम में जुटा रहना पड़ता था, मैं एक जवान बैल की तरह काम में डटा रहता था। एक उम्र होती है जब हर आदमी एक औसत सुख के दायरे में रहना सीख, उसके परे देखने की फुर्सत भी उसके पास नहीं होती। यानी उस क्षण तक महसूस नहीं होती जब तक वो खुद उसके दायरे में। आपने अक्सर देखा होगा कि जिसे हम सुख कहते हैं, वो एक खास लम्हे की चीज है। वो अपने आप में ठोस है, लेकिन उस लम्हे के गुजर जाने के बाद वो बहुत फीका और कुछ कुछ हैंगओवर सा धुंधला लगता है। किंतु जिसे हम दुख
या तकलीफ या यातना कहते हैं, इसका कोई खास मौका नहीं होता है। मेरा मतलब है हूबहू दुर्घटना के वक्त महसूस नहीं होती। इन दुर्घटना के वक्त हम बदहवास से हो जाते हैं, हम उससे पैदा होने वाली यातना के लिए कोई बना बनाया फ्रेम नहीं ढूंढ पाते जिसे हम सही से फिट कर सकें। किसी दुर्घटना का होना एक बात है, उसका सही सही परिणाम अपनी पूरी जिंदगी में भोगना या भोग पाने के काबिल हो सकना बिल्कुल दूसरी बात है या संभव है, ऐसा होता नहीं है। मेरा मतलब है कि अपने को बार बार दूसरे की स्थिति में रख कर उतने ही कष्ट को कल्पना करना जितना दूसरे ने भोगा था, कुछ कम होगा या कुछ ज्यादा, लेकिन उतना नहीं और वैसा नहीं जितना दूसरे ने भोगा था। नहीं नहीं आप गलत समझे, मैंने अपनी पत्नी को कष्ट भोगते हुए नहीं देखा। जब घर पहुंचा वो उसे ले जा चुके थे। 7 वर्षों की विवाहित जिंदगी में यह पहला मौका था जब मैं घर में घुसा था। बिल्ली नहीं, उन दिनों वो मेरे पास नहीं थी, मैंने उसे काफी वर्षों के बाद पालना शुरू किया था। दूसरे घरों के पड़ोसी जरूर अपनी खिड़कियों से झांक कर मुझे देख रहे थे, और वो स्वाभाविक भी था। मैं खुद ऐसे लोगों को खिड़कियों से झांक कर देखा करता था जिनके रिश्तेदारों को गेस्टों को पुलिस पकड़ कर ले जाती थी, लेकिन मैंने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि एक दिन मैं घर लौटूंगा और मेरी पत्नी का बिस्तर खाली पड़ा होगा। नहीं नहीं जनाब, मैं शुरू में मैं खुद नहीं समझ सका। मैंने आपसे कहा था ना कि ऐसी दुर्घटना के वक्त आदमी बदहवास सा हो जाता है, वो ठीक ठाक अपनी यातना का अनुमान नहीं लगा सकता। मेरी पत्नी की चीज़ें चारों तरफ बिखरी पड़ी थी, कपड़े किताबें मुद्दत पुराने अखबार अलमारियों और मेज़ों के दराज खुले पड़े हुए थे। उसके भीतर की हर छोटी बड़ी चीज़ बाहर फर्श पर उल्टी सीधी पड़ी थी। क्रिसमस के उपहार, सिलाई की मशीन, पुराने फोटो एल्बम, और आप जानती हैं कि शादी के बाद कितनी चीज़ें खुद ब खुद इकट्ठी होती चली जाती हैं। लगता था उन्होंने हर छोटी बड़ी चीज़ को उलट पुलट कर देखा था, कोने कोने की तलाशी ली थी। कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो उनके हाथों से बच रह गई हो। उस रात में अपने कमरे में बैठा रहा, मेरी पत्नी का बिस्तर खाली पड़ा था, तकिए के नीचे उसका रुमाल, माचिस और सिगरेट का पैकेट रखा था। जी हाँ, वो सोने से पहले हमेशा सिगरेट पिया करती थी। शुरू में मुझे उसकी आदत अखरती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं इसका आदी हो गया। पलंग के पास सिपाही पर उसकी किताब रखी थी जिसे वो उन दिनों पढ़ा करती थी। जिस पन्ने को उसने पिछली रात पढ़ के छोड़ दिया था, वहाँ निशाने के लिए अपना क्लिप दबा दिया था। वो क्लिप में बालों की गंध जुड़ी थी। आप जानते हैं किस तरह बरसों बाद भी हमें छोटी छोटी तफसीलें याद रह जाती है, और शायद ठीक भी है। विवाह से पहले हम बड़ी और अनुभूति पूर्ण चीज़ों के बारे में सोचते हैं, लेकिन विवाह के बाद अरसा साथ रहने के कारण ये बड़ी बड़ी चीज़ें हाथ से फिसल जाती है। सिर्फ कुछ छोटी मोटी आदतें, ऊपर से सतही दिखने वाली दिनचर्या है, रोज़मर्रा के आपसी भेद बचे रह जाते हैं जिन्हें हम शर्म के कारण दूसरों से कभी कह भी नहीं सकते। किंतु उनके बिना हर चीज़ सुनी सुनी से जान पड़ती है। उस रात मैं अकेले कमरे में अपनी पत्नी की चीज़ों के बीच बैठा रहा। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अपने कमरे में नहीं थी, ये महज एक हकीकत थी। मैं उसे समझ सकता था, किंतु वो उसे पकड़ कर क्यों ले गए कि ये भयानक भेद मेरी पकड़ के बाहर था। आखिर मेरी पत्नी थी। मैं उस रात बार बार अपने आप से सवाल पूछता रहा,
आपको तनिक आश्चर्य होगा कि 7 वर्षों की विवाहित जिंदगी में ये पहली बार मुझे अपनी पत्नी पर संदेह हुआ था। मानो उसने मुझसे कोई ऐसी चीज छिपा कर रखी हुई जिसका मुझसे कोई सरोकार नहीं था। बाद में मुझे पता चला कि गेस्टापो पुलिस बहुत दिनों से उसकी ताक में थी। उसके पास कुछ गैर कानूनी पंपलेट और पर्चियां पाई गई थी जो उन दिनों अज्ञात रूप से लोगों में बांटी जाती थी। जर्मन अधिकारियों की आंखों में ये सबसे संगीन अपराध था और पुलिस ने ये सब चीजें खुद मेरी पत्नी के कमरे में से बरामद की थी। और आपको शायद मेरी बात काफी दिलचस्प जान पड़ेगी कि खुद मुझे उनके बारे में कुछ मालूम नहीं था। उस रात से पहले तक मैं और वो एक ही कमरे में सोते थे, प्रेम करते थे, और उसी कमरे में कुछ ऐसी चीजें थी जो उसका रहस्य थी जिसमें मेरा कोई साझा नहीं था। क्या आपको ये बात दिलचस्प नहीं लगती कि वे मेरी पत्नी को मुझसे कहीं अधिक और अच्छे तरह जानते थे? 1 मिनट जरा ठहरिए। क्या गिलास खत्म कर लेता हूँ फिर आपका साथ दूंगा। कुछ देर बाद वे बंद कर देंगे और फिर नहीं, इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। अरे पीने का लुफ्त तो इत्मीनान से पीने में है। हमारी भाषा में कहावत है, हमें जी भर कर पीना चाहिए क्योंकि 100 बरस बाद हम इस दुनिया में नहीं होंगे। 100 बरस ये काफी लंबा अरसा है। आप नहीं सोचते हम में से कोई भी इतने लंबे अरसे तक जीवित रह सकेगा? मुझे शक है। आदमी जीता है, खाता है, पीता है और एक दिन अचानक फट। नहीं जनाब, भयानक चीज मरना नहीं है। लाखों लोग रोज मरते हैं और हम क्यों नहीं करते? भयानक चीज है कि मृत आदमी अपना भेद हमेशा के लिए अपने साथ ले जाता है और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। एक तरह से वो हमसे मुक्त हो जाता है। उस रात मैं अपने घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में चक्कर लगाता रहा। आपको शायद हंसी आएगी कि पुलिस के बाद में दूसरा व्यक्ति था जिसने अपनी पत्नी की चीजों की दोबारा तलाशी ली थी। एक एक चीजों को उलट पुलट कर पूरी गहराई से उन्हें देखा परखा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपने पीछे मेरे लिए एक भी ऐसा निशान नहीं छोड़ जाएगी जिसके सहारे से मैं उस चीज को पा सकूं जिसमें मेरा भी साझा रहा था। उसके विवाह की पोशाक, ड्रेसिंग टेबल की तराजू में रखे कुछ पत्र जो उसने विवाह से पहले लिखे थे, कुछ पंख और पत्थर जिन्हें वो जमा किया करती थी। जरा देखिए, 7 वर्षों की विवाहित जिंदगी के बाद उस रात अपनी पत्नी की चीजों को कुछ इस तरह से टटोल रहा था। मैं उसका पति न होकर कोई भेदिया पुलिस का पेशावर नौकर हूं? मुझे रह लेकर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि अब मैं उससे कुछ नहीं पूछ सकूंगा। वो उनके हाथों से बचेगी नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानता था। जिन लोगों को अपने साथ पकड़ कर ले जाते थे उनमें से मैंने एक को भी वापस लौटते तो हुए नहीं देखा था। लेकिन उस रात मुझे इस चीज ने इतना भयभीत नहीं किया कि मृत्यु उसके बहुत नजदीक है जितना इस चीज ने कि मैं कभी उसके बारे में पूरा सत्य नहीं जान सकूंगा। मृत्यु हमेशा के लिए उसके भेद पर ताला लगा देगी और वो अपने पीछे एक भी ऐसा सुराग नहीं छोड़ जाएगी जिसकी मदद से मैं उस ताले को खोल सकूं। दूसरे दिन रात के समय उन्होंने मेरा दरवाजा खटखटाया। मैं तैयार होकर उन्हीं की प्रतीक्षा में बैठा था। मुझे मालूम था वे आएंगे। अगर मेरी पत्नी उनके सामने सब कुछ कबूल कर लेती तो शायद उन्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ती। किंतु मुझे मालूम था मेरी पत्नी अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालेगी। मैं उसके रहस्य से अपरिचित रहा हूं, उसकी आदतों से अच्छी तरह से वाकिफ था। वो चुप रहना जानती थी चाहे यातना कितनी ही भयंकर क्यों ना हो। नहीं जनाब, मैंने अपनी आंखों से उसकी यातना को नहीं देखा, किंतु मैं थोड़ा बहुत अनुमान तो लगा सकता हूं। पहला प्रश्न उन्होंने मुझसे पूछा वो बिल्कुल साफ था। क्या मैं श्रीमती का पति हूं?
सिर्फ उसके उत्तर में हाँ ही दे सका। बाकी प्रश्न मेरी समझ के बाहर थे, किंतु वो मुझे अवसर ही छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने मेरी इस बात को हंसी में उड़ा दिया जब मैंने उन्हें ये बताया कि मैं अपनी पत्नी की इन कार्रवाइयों के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने सोचा मैं अपनी खाल बचाने के लिए कन्नी काट रहा हूं। मुझे एक अलग से सेल मिला गया। पूरे हफ्ते दिन रात मुझसे एक ही तरह का सवाल अलग अलग ढंग से पूछते थे। मैं अपनी पत्नी के बारे में क्या जानता हूँ, कहाँ जाती है, किन किन लोगों से मिलती है, किस आदमी ने उसे लिफ्टेड दिए थे। मुझे किसी भी तरह का उत्तर खींचने के लिए भी जो भी तरीका अपना सकते थे उसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। मैं चाहे कितनी ही तफसीलों के साथ आपके वो बना क्यों ना बताऊँ, आप उसका रत्ती भर भी अनुमान नहीं लगा सकते। वो मुझे उस समय तक पीटते थे जब तक कि मैं अपनी चेतना खो नहीं देता था, किंतु उनमें असीम धैर्य था। उस समय तक प्रतीक्षा करते थे जब तक कि मेरी चेतना वापस नहीं लौट आती थी और फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाता था, वही पुराने सवाल, अंतहीन यातना। उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं होता था कि मैं अपनी पत्नी के साथ अनेक वर्षों तक एक ही घर में रहा हूं, उसकी गुप्त कार्रवाई के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं समझता था कि मैं उन्हें बेवकूफ बना रहा हूँ, उनकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं जनाब, वो मुझे पीटते थे, मुझे इसकी यातना नहीं थी। मेरी यातना ये थी कि उनके प्रश्नों का जवाब देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। कल्पना नहीं कर सकता रोजमर्रा की दैनिक जिंदगी के साथ वो एक ऐसी जिंदगी जी रही है मुझसे अलग, मुझसे बाहर, मुझसे अछूती, एक ऐसी जिंदगी जिसका मुझसे कोई वास्ता नहीं। आपको ये बात हास्यास्पद सी नहीं लगती कि अगर वे उससे न पकड़ते तो मैं जिंदगी भर यही समझता कि मेरी पत्नी वही है जिसे मैं जानता हूं। आप जानते हैं, लड़ाई के दिन थे और गेस्टापो अपने शिकार को जल्दी हाथ से जाने नहीं देते थे। मेरी पत्नी ने आखिर तक कुछ भी कबूल नहीं किया। सच बात यह थी कि मेरे पास भी कबूल करने के लिए कुछ भी नहीं था। आप जानते हैं, पहली रात जब मैंने अपनी पत्नी को कमरे में नहीं पाया था तो मुझे काफी खेद हुआ था। मुझे लगा था कि उसने मुझे अंधेरे में रखकर छलना की है। बार बार मुझे सवाल पूछा था कि स्वयं मेरी पत्नी ने मुझे अपना विश्वास पात्र बनाना उचित नहीं समझा। लेकिन बाद में गेस्टापो के सामने पीड़ा और कष्ट के असहाय क्षणों से गुजरते हुए मैं उसके प्रति कृतज्ञ सा हो जाता हूँ कि उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। उसने एक तरह से मुझे बचा लिया था। मैं आज भी इस बात का निर्णय नहीं कर सका हूँ कि अगर मुझे अपनी पत्नी का भेद मालूम होता तो क्या मैं चुप रहने का हौसला बटोर सकता था। जरा सोचिए, मेरी यंत्रणा कितनी अधिक बढ़ जाती अगर मेरे सामने कबूल करने का रास्ता खुला होता। आप मजबूरी में बड़ी से बड़ी यातना सह सकते हैं, लेकिन अगर आपको मालूम हो कि आप किसी भी क्षण उस यातना से छुटकारा पा सकते हैं, चाहे उसके लिए आपको अपनी पत्नी, अपने पिता, अपने भाई के साथ विश्वासघात क्यों न करना पड़े, तब आप यातना की एक सीमा के बाद वो रास्ता नहीं चुन लेंगे। इसके बारे में कुछ भी कहना असंभव है। चुनने की खुली छूट से बड़ी पीड़ा कोई दूसरी नहीं है। मुझे कभी कभी लगता था कि निर्णय की इसी यातना से बचाने के लिए मेरी पत्नी ने अपना रहस्य मुझे नहीं बताया। आप ऐसा नहीं सोचते? संभव है मैं गलत हूं, लेकिन जब रात को मुझे नींद नहीं आती थी तो अक्सर मुझे सोचकर हल्की सी तसल्ली मिलती थी कि छोड़िए छोड़िए, आप मैं आपको समझा नहीं सकता। तो मैंने आपको अपनी मेज पर बुलाया था तो इस आशा के साथ नहीं कि मैं आपको कुछ समझा सकूंगा। क्या कहा आपने? नहीं जनाब, उसके बाद मैंने अपनी पत्नी को दोबारा नहीं देखा। एक दोपहर जब मैं घर लौट रहा था, मेरी निगाह उस पोस्टर पर जा पड़ी थी। उन दिनों अक्सर वे पोस्टर तीसरे चौथे दिन शहर की दीवारों पर चिपका दिए जाते थे। हर पोस्टर पर 30-40 नाम होते थे।
इन्हें पिछली रात गोली मार दिया गया था। जब मेरी निगाह मेरी पत्नी के नाम के पास आकर रुकी तो कुछ क्षणों तक काफी विचित्र सा लगा कि इस छोटे से नाम के पीछे मेरी पत्नी का चेहरा हो सकता है। मैंने आपसे कहा था ना, जब तक आप अपनी आंखों से किसी को मरता देख न लें, आपको विश्वास नहीं होता कि वो जीवित नहीं है। एक धुंधली सी आशा बनी रहती है कि आप दरवाजा खोलेंगे, लेकिन नहीं, देखिए, मैं अपनी बातें दोहराने लगा हूँ। बियर पीने का ये सुख है, आप एक ही दायरे के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं, राउंड एंड राउंड एंड राउंड। अब जा रहे हैं? जरा ठहरिए, मैं सलामी के कुछ टुकड़े अपनी बिल्ली के लिए खरीद लेता हूँ। बेचारी इस समय तक भूखी प्यासी मेरे इंतजार में बैठी होगी। नहीं, आपको मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है और मैं अपनी पीने की सीमा भी जानता हूँ। मैंने कहा था ना आपसे, सिर्फ 1.5 इंच ऊपर। जी हाँ दोस्तों, यह निर्मल वर्मा जी की बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है जो बहुत मायने रखता है। एक अभिनेता के तौर पर मेरी जिंदगी में और जो जिंदगी यहाँ वहाँ निर्मल जी की जो कहानी मैंने की 90s में की थी हम लोगों ने। निर्मल जी भी आए थे देखने, उन्होंने भी 3 शो देखे थे। लेकिन थैंक यू सो मच जनसुलभ पुस्तकालय और अपन जी और आप सभी साथियों को कि आपने फिर से मुझे याद दिलाया, तो कुछ याद आया। और जो आपने याद दिलाया वो बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।